जनूबी पंजाब में लोड शेडिंग सराय की आवाम के लिए इम्तिहान बन गई। बहावलपुर शहर में चार और मजफाती इलाकों में पांच से छह घंटों की लोड शेडिंग। उधर लैया शहर में छह घंटे और देही इलाकों में आठ घंटे तक बिजली बंद रखी जाने लगी। कारोबार ठप, मामलात जिंदगी मुतासर, हब्स और शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। सोने की उड़ान जारी, नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। मुल्तान के सराफा बाजार में सोने की कीमत में 2000 रुपए इजाफा, 24 कैरात फी तोला सोना 1,22,500 रुपए का हो गया। 22 कैरात सोना 1,12,252 रुपए फी तोला बिकने लगा। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इस वक्त इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को आम करने की अशद जरूरत है। मुल्तान में कन्वीनियर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब, खतीब बादशाही मस्जिद, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए, हमारा मकसद मजहबी रवादारी को फरोग देना है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जमात इस्लामी का पैगाम अमन का पैगाम है। पुरअमन और रवादारी वाला मुआशरा ही असल इस्लामी इकदार का आयनादार होता है। मुल्तान जमात इस्लामी के दफ्तर में उलमा और मशायख विंग जमात इस्लामी पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरकजी सदर मियां मकसूद अहमद, चेयरमैन पी ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा समेत दीगर की शिरकत। और दुनिया का तेज तरीन बढ़ता हुआ स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी, चीनी कंपनी अपने सालाना रियलमी फैन फेस्ट में ला रहा है लो बैटरी का तोड़। रियलमी C12 के साथ 6000 mAh AH की बड़ी बैटरी जो दे 57 दिनों का हैरतअंगेज स्टैंड बाय टाइम। 6.5 इंच का डिस्प्ले, ट्रिपल नाइट स्केप कैमरा, अब और भी ज्यादा खूबसूरत डिजाइन के साथ। देखिए एक्सक्लूसिव लॉन्च अब से कुछ ही देर के बाद।